किसी का वेट कर रही थी जी, मौलवी साहब का। उनको तो टाइम लगेगा, दम करवाना था जी। नहीं, कुछ पूछना था मसला। मौला का हर कानून मौलवी बताएगा ये जरूरी नहीं है, थोड़ी बहुत जानकारी हम भी रखते हैं जी। पूछना ये था कि अगर किसी से कोई गुनाह हो जाए और वो गुनाह वो बार बार करता जाए तो क्या करना चाहिए? तौबा। और अगर तौबा करके भी वो गुनाह करता रहे? फिर तो कफारा ही अदा करना पड़ेगा। ये कफारा क्या है? इधर आओ, ये कपड़ा है ना, अगर इस कपड़े पे कोई दाग लग जाए तो उसे साबुन से धोना पड़ता है, और अगर ये दाग पक्का हो ना उतरे तो इस कपड़े को धोबी को देते हैं और उसके लिए पैसे खर्च करने पड़ते हैं। वो जो पैसा खर्चा जाता है उसे बहुत सीधे शब्दों में कफारा कहते हैं। मिर्जान, होए मेरी जान, मेरी जान। सुनना, परसों तैयार रहियो। सुन ले, आइटम नहीं हो तेरी, रंडी हूँ, धंधा करती हूँ, समझा? पैसे रखो, निकल यहाँ से। अबे गैराज में गाड़ी आ रही है, नहीं पूरे दिन अपने पास ही रहने वाली है, डेट पे लेके चलूंगा डार्लिंग को अपनी, ताजमहल दिखा के लाऊंगा, तैयार रहियो। और सुन डार्लिंग, वो ना वो टॉप और जींस पहन लियो, उसमें हीरोइन लगती है। निकल यहाँ से। तेवर देख लो मैडम के, रब फोन करूंगा, तैयार रह लियो, बता रहा हूं मैं। और ये ले, ये पैसे रख दिए इधर, आता हूं फिर डार्लिंग। नाजिया, नाजिया सुन, एक ग्राहक लेकर आया हूं, चूसों का शौकीन है, ठरकी ढीला है, देख 1000 देने को तैयार है, 700 तेरा, 300 मेरा, बोल। चूत भेजू?
100 रुपये कम देके गया। क्या भौंक रहा है? अरे पा, मैं ये कह रहा हूँ कि एक चूसू का शौकीन ग्राहक है, 1000 दे रहा है। देख 700 तेरा, 300 मेरा, भेजू? एक काम क्यों नहीं करता, उसका हलक तक तू क्यों नहीं दे देता है? पूरा 1000 तेरा होगा, जा। साली रंडी हरामजादी, ज्यादा भाव खा रही है, इसीलिए कोई बढ़वा तेरे साथ काम नहीं करता। आवाज कम निकाल बे। तुझे पता है कि आजकल मिठे लोगों की कितनी संख्या बढ़ती जा रही है? भाई मर्द लोगों की मंदी आती जा रही है। बैंचुद ज्ञान मत चोद, निकल यहाँ से। बैंचुद साले, देख रंडी की कमी नहीं है मंडी में, समझा रहा हूँ मैं तुझे। अबे भड़वे की भी कमी नहीं है आगरा में, निकल यहाँ से। हाँ जा रहा हूँ, तेरा मेरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म। चूतिया साला। ये ले भैया पैसे, बाद में दे दूंगा। हरामी साला कभी पैसे देके नहीं जाता, साले को उधार उधार रोज उधार जाए। कल आता है तो बताता हूँ साले को। अरबी में क्या बोल रहा है राकेश भाई? अरबी आती तो हम यहाँ क्या करते हैं? वहाँ पर तेल बेचते हम मजे में रहते हैं, यहाँ क्या करते हैं? एक कॉल करना है एसटीडी। और भी लोग हैं। पापा की चिट्ठी हर रोज क्यों पढ़ती हो? क्योंकि तुम्हारे पापा की चिट्ठी में तुम्हारे लिए बहुत सारा प्यार है। वो मुझसे भी बहुत प्यार करते थे। बहुत। तुमसे भी? अम्मी ऐसा क्यों, पापा के सिवाय हमारा कोई नहीं है? दादा दादी नाना नानी, ऐसा क्यों? कहाँ घूम रही है, तैयार बैयार नहीं होना? क्या है? चल ना। इतने कम पैसे में कुछ नहीं होता। वो था क्या आ गया, कितने ऐसे पैसे पूरे हो लगेंगे तभी काम होगा। चल कमी ना लगेगा। ये तो अपने साथ साथ अपने कस्टमर को भी ऐसे ले जाके रहेगी। और निधि मैडम इधर आओ ना। क्या हुआ? देखिए आप इसे समझाते नहीं। अरे समझाओ ना इसको, इसके डब्बे में कभी कंडम मिलता ही नहीं। अरे समझाओ ना इसको। क्या बकचोदी करा है बेदू, निकल यहां से। चला गंदी। नाजिया कितनी बार समझाया तुम्हें, प्रोटेक्शन यूज करना बहुत जरूरी है। कौन क्या बीमारी लेकर आ रही है ये तुम्हें नहीं पता, इसलिए कॉन्डोम यूज करो और करवाओ। तो शादीशुदा है? हाँ। यूज करती है कंडम? हाँ। कितनी बार? ये कैसा सवाल? कितनी बार करती है? जितनी बार भी हस्बैंड के साथ होती हूँ। कितनी बार सोती है? हफ्ते में एक या दो बार। जिस दिन दिन में 14 बार सोएगी ना, उस दिन प्रोटेक्शन तेरी गांड से बाहर आ जाएगा, समझी? निकल यहाँ से, निकल। Thank you.
गुड़िया, देख अम्मी ने तेरे लिए चीनी रोटी बनाई है। तुझे चीनी रोटी बहुत पसंद है ना? गुड़िया चल। गुड़िया 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 आपने कहीं मेरी गुड़िया को देखा? पापा को फोन करने आई है। अम्मी अब पापा कभी नहीं आएंगे। क्या, किसने बोला ये? मैंने कॉल लगा दी थी, सऊदी का नंबर है। किसी ने बताया कि उसने वहां पर किसी पाकिस्तानी औरत के साथ निकाह कर लिया है। आपने इस नंबर पे फोन लगाया था? एक ही तो नंबर है तुम्हारी डायरी में। जिन स्टॉप में देख के ये तो यकीन हो गया कि मैं तेरे लिए स्पेशल हूँ। स्पेशल कस्टमर, और इसका ना चार्ज लगेगा अलग से। ये हमेशा बकवास क्यों करती है? जब देखो तब पैसा पैसा पैसा। तुझे ताजमहल दिखा के लाता हूँ, प्यार की निशानी है। सुन, प्यार और प्यार की चीजें ना दोनों मेरे लिए चूतियाँ हैं, समझा? हमेशा ना बकवास कर रही हो तू यार। फुल दिन की पेमेंट दे रखी है मैंने। अच्छा चल बोल, कहाँ चलना है? क्या, अरे कहाँ चलेगी बता दे, वहां ले चलता हूँ। लेके चलेगा? हाँ चल ना। चल मेरी जान। यार मैं तुझे ताजमहल दिखाने ले जा रहा था, तू यहाँ कब्रिस्तान में ले आई। ताजमहल भी कब्रिस्तान ही है, वहाँ बस सन्नाटा है, यहाँ पे सुखो। यार पूरे 2000 दिए हैं, कुछ मेरी भी चलने देगी? बोल। अपन लोग 2.5-3 साल से साथ में हैं, और तू जानती है मैं किसी और औरत के साथ भी नहीं जाता कहीं, है ना? और देख यार, तू मुझे अच्छी भी लगती है, तो मैं सोच रहा हूँ ना कि अब अपना रिश्ता मजबूत करते हैं ना यार, है ना? देख
रणदी का एक ही रिश्तेदार होता है भड़वा, भड़वा बनना है तो बोल, वैसे भी मुरारी के साथ बननी रही है मेरी। एंचोद मैं यहाँ इमोशन की बात कर रहा हूँ, है तू बकवास मार रही है। ये सब चूतिया बातें ना चलती नहीं मेरे को, मेरे लिए मर्द या तो कस्टमर या भड़वा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं, समझा? ठीक है। क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? अपनी माँ चुदा बैंड की लौड़ी। आप तो आए नहीं तो मैं ही लेने आ गया किराया। शिवो। हाँ आएगा तो दे दूंगी, है ना जी। किराया तो आने वाला नहीं है, बूथ वालों ने बताया मुझे तुम्हारे पति ने सऊदी में बिहार रचा लिया है। अब बताओ कितने जुगाड़ से भेजा था उसको, अब 5 महीने का किराया पेंडिंग है, दोगी कैसे जी? मुझे तो खुद ही समझ नहीं आ रहा, कुछ काम ढूंढ के धीरे धीरे चुका दूंगी। वैसे 1 महीने का किराया तो तुम आज भी दे ही सकते। हाथ छोड़िए, हाथ छोड़िए, छोड़िए मुझे, छोड़िए, 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 छोड़िए। अरे अरे किराया नहीं दे रहे, पैसे बत्ती बिजी जाइए, बिजली करवा दूंगा तुम्हारी। अम्मी की करके रखा है, मुझसे भी सुंदर। क्या चाचा क्या देख रहे हो उधर? ये चांदपुरा इलाका ही है ना? हाँ यही है चाचा। तो यहाँ लेकिन
सब बदल गया, मतलब मकान बस्ती थी, बस्ती हुआ करती थी यहाँ पे। चाचा चांदपुरा आजमगढ़ सब बदल गया है, ढूंढ किसे रहो आप? क्या क्या वो मैं यहाँ रहता था, मेरी बीवी शबनम और मेरी बच्ची गुड़िया यहाँ, हम तीनों रहते थे यहाँ, ये इस आसपास कहीं। पुर्वत में तेरी मेरी आजादियाँ, महफिल में मेरी तेरी मर्जियाँ, खाली सा दिल मेरा, दिल में जो तू मुझे रंजना जी से मिलना है। अरे चाचा वो तो लटक के ममता कुलकर्णी हो गई है। अरे अपुन तुम्हें आगरा की आलिया भट्ट दिलाता है ना, बोलो। नहीं मुझे रंजना जी से ही मिलना है। तैयार हो जाओ फटाफट। रंजना ये तेरे मुरीद है, तुझसे मिलने आए हैं। पागल है साला। रंजना जी, रंजना जी मुझे तो मेरे कस्टमर रवीना टंडन कहकर बुलाते हैं। कहीं तू मेरे कोई पुराने प्रेमी तो नहीं हो? जी वो मैं आजमगढ़ से आपका पता लेकर यहाँ आया। एक मिनट देखने दो, कहीं तुम आजमगढ़ वाले आसिफ तो नहीं हो? अरे मेरे लिए मोहल्ले के बच्चों के हाथ कबाब पराठे भिजवाए करते थे हर जुम्मा, लाए हो क्या कबाब पराठा? जी मुझे शबनम से मिलना है। तुम मुनीर हो? जी। लेके जा। इस बार भी किराया कम दे रहे हो मुनीर मियाँ, ऐसा कब तक चलेगा? क्या बताएं पवन भाई, ऑफ सीजन चल रहा है, दुकान पे बैठे मक्खियाँ मार रहे हैं, मालिक टाइम पे तनख्वाही नहीं दे पा रहा है। अब मार्केट की हालत तो आपको पता है। तो गल्फ क्यों नहीं चले जाते? गल्फ? हाँ अरे पूरा आजमगढ़ गल्फ लूट कर यहाँ कोठियाँ पीट रहा है। रिक्रूटमेंट एजेंसी में बातचीत है अपनी दो तीन बंदों से, दुबई गल्फ
बहुत रिक्वायरमेंट है इंडियन वर्कर्स की। अरे पासपोर्ट तो है ना तुम्हारे पास? पवन भाई आपको तो पता ही है कैसे हालात में हमने शादी की, पासपोर्ट के लिए तुमको सरा जाना पड़ेगा। कहीं जाने की जरूरत ना है, एजेंट लोग सब जुगाड़ कर देते हैं, बस तुम पैसे का जुगाड़ करो। क्या कह रहे थे पवन भाई? कुछ नहीं, वो गल्फ जाने के ख्वाब दिखा रहे थे। तो ख्वाब सच भी तो हो सकते हैं ना? क्या मतलब? सुनो, मैं तुम दोनों को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला, समझ गई? तो छोड़ के जाने के लिए कौन बोल रहा है फिर? गुड़िया की पढ़ाई, हम सबके अच्छे फ्यूचर के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना मुनीर। यहाँ तो दो वक्त की रोटी और घर का किराया ही मुश्किल से निकल पाता है, और ये सब सामान भी तो पवन भाई का दिया हुआ है। अच्छा नहीं लगता मुनीर दूसरों के रहमो करम पे जीना। लेकिन शब्बू, प्यार के लिए हमने मुगल सराय छोड़ दिया, अब कुछ तो करना होगा ना। शब्बू तुम समझ नहीं रही हो, बहुत सारे पैसों का जुगाड़ करना पड़ेगा, समझ नहीं रही हो तुम? उसकी चिंता आप मत कीजिए, ये लीजिए। ये क्या कर रही हो? नहीं नहीं, मैं नहीं लूंगा। हम सबकी भलाई के लिए। शब्बू तुम समझ नहीं रही हो तुम। आप तो ये किस वक्त काम आएगा? प्लीज गरम है साले, दो मिनट भी टिक गए ना, ट्रॉफी दे देना खुद को मर्दानगी की। अंदर आ सकता हूं? नहीं, वहीं से चले जा, अगर मन है तो आ जा अंदर, मूड में हो आज। कंडम पहन के तैयार हो जा। कस्टमर नहीं हूं। तो कौन है? बोल। बड़वा है क्या? है? हालत तो तेरी भड़वे से भी ज्यादा बदतर लग रही है। बापू तेरा गुड़िया।
मुनीर अहमद हो? हाँ बेटा। बच्चे मैं जानता हूं मेरी वजह से तुझे और तेरी अम्मी को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। तुम दोनों पर जितने भी जुल्म हुए उन सब का जिम्मेदार मैं हूं। मुझे माफ कर दे बच्ची। गुनाह किया है तो कफारा तो अदा करना पड़ेगा ना। तू जो बोलेगी मैं करूंगा। कुछ भी बस तू इस जहन्नम से निकलकर मेरे साथ चल। 15 साल मैं तुम दोनों से दूर रहा हूं। तेरी अम्मी को खो चुका। तू पाकिजा देखकर आया है क्या? हाँ तू कोठे से विदाई की बात कर रहा है? फारा अदा करना है ना। मेरी अम्मी 15 साल तक मेरे लिए रंडी बनी। तू 15 दिन तक मेरा भड़वा बनेगा। हाँ ठीक है फिर तू जहां बोलेगा ना चलूंगी तेरे साथ। तेरा बाप है तू उससे भड़वागिरी करवाएगी? उसने मेरी मां को तड़पने के लिए छोड़ दिया।
उसे डंडी बनने पर मजबूर किया। उससे बढ़वा गिरी क्यों नहीं करवाऊं मैं? रूह जागी मेरी जब जिस्म से पढ़वा जा कस्टमर लेकर आ। ये गंदा और नापाक काम मुझसे नहीं होगा गुड़िया। क्यों? गुड़िया चाहिए ना तुझे? गुड़िया चाहिए ना तो नाजिया का भड़वा बन, नहीं तो बाहर में जाए ऐसे। बच्ची पिछले 15 सालों से उमान में मेरे साथ क्या हुआ कुछ पता भी है तुझे? नहीं सुनना मुझे। सुनना है तुझे, सुनना पड़ेगा। हो गया हो गया, निकल यहां से, बाहर निकल। बच्ची अपने बाप के दर्द का जरा सा भी एहसास नहीं है तुझे? मुझे सिर्फ इस बात का एहसास है कि मेरी माँ के साथ क्या हुआ और उनके साथ जो कुछ भी हुआ ना, और उसका जिम्मेदार सिर्फ तू है। जा कस्टमर लेकर आ, नहीं तो दफा हो जाए यहां से। मनीर को माफ कर दिया, तुम भी अपने पापा को माफ कर देना। अरे सुन जरा, पहली बार सुन, अपने को पिछोड़ा चाहिए, देगी? जैसी रान वैसा भांड, अच्छी जोड़ी है। देखो मैं जानती थी कि आपसे नहीं होगा, मैं सिर्फ ये देखना चाहती थी कि आप अपनी गुड़िया को पाने के लिए क्या कर सकते हैं।
समझा? साला एक्शन दिखा रहा है, जा कस्टमर लेकर आ मेरे लिए। कभी कछौछा शरीफ गए हो? वहां लोग अपने बच्चों और रिश्तेदारों का इलाज करवाने जाते हैं, मरीजों को जंजीरों से बांध कर रखा जाता है वहां पर। किस मर्ज का इलाज होता है वहां? भूत, चुड़ैल, जिन्न की सवारी का। हमारी गुड़िया पर नाजिया नाम की काली आत्मा का साया पड़ गया है, भयानक साया। उसका इलाज किसी दरगाह में झाड़ फूक से नहीं होगा, बल्कि सब्र और अक्ल से होगा, और वो भी सिर्फ तुम कर सकते हो, बाप बनकर नहीं, भड़वा बनकर। अबे माल तो दिखा जी, बहुत बहुत अच्छी है। हाँ, बहुत बहुत खूबसूरत है। हाँ, नेक है बहुत। आपको खुश कर देगी, शिकायत का मौका नहीं देगी। हाँ। अच्छा, तो तू कह रहा है तो चल के देख लेते हैं। चलिए चलिए। I feel
कहाँ जा रही हो? भड़वा ही तो है, बैठ। तुझे क्या लगा ये सब कुछ लाकर मैं पुरानी वाली गुड़िया बन जाऊंगी? हाँ, तेरे कंधे पे बैठ के मार्केट जाऊंगी। तुझे याद है बेटी? याद है मुझे, 7 महीने मेरी माँ बिस्तर पे पड़ी हुई थी एक लाश बनकर, फिर मर गई। जोत कौन सा दिन है तेरी पड़वागिरी का? आज साला इसीलिए इतने चोचले चोद रहा है। ओ सुन, तुझे क्या लगा ये सब कुछ करके तेरा सारे पाप धुल जाएंगे? हैं? मुनीर, ओ मुनीर, ये लो तुम्हारा खाना। तनख्वाह कब मिलेगी? ये तो शेख ही जाने। अल्ताफ, 8 महीने हो गए, ना तो मेरी बीवी बच्चों से मेरी बात कराते हो, ना मेरी चिट्ठी ले जाते हो, ना कोई खबर देते हो। बस इस भूतिया फैक्ट्री के रखवाले में रखवा दिया और खाने के नाम पे ये सूखी नान और प्याज का टुकड़ा देते हो बस। मैं तो वही करता हूँ जो शेख कहता है। देख अल्ताफ, आजमगढ़ में मेरी बीवी और बच्चे अकेले हैं, मेरे अलावा उनका और कोई नहीं है, उनको परेशानी हो रही होगी। उनको भी बता दिया गया है। क्या बता दिया गया? यही कि तुमने यहाँ पर निकाह कर लिया है एक पाकिस्तानी लड़के के साथ। मुनीर, यहाँ की पुलिस तुम पे फैक्ट्री पे तोड़फोड़ और चोरी करने का चार्जशीट फाइल कर रही है। वकील साहब, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ये लोग गलत इल्जाम लगा रहे हैं मुझ पे, मेरा यकीन कीजिए। उल्टे इस शेख ने पिछले 1 साल से मेरी तनख्वाह नहीं दी, मैंने बस ऊंची आवाज में उनके सामने अपनी बात रखी, इतना ही किया और उसने मुझे फंसा दिया। मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए वकील साहब, मेरी मेची है, मेरी बीवी है हिंदुस्तान में, मुझे बचा लीजिए। हाँ हाँ, मैं समझता हूँ मुनीर, मैं तुम्हें तुम्हारा हाथ कटने से तो बचा सकता हूँ, मगर उम्र कैद की सजा से तुम्हें सिर्फ तुम्हारा अल्लाह ही बचा सकता है। ऐसा मत बोलिए वकील साहब, मुझे बचा लीजिए प्लीज, मैंने कुछ नहीं किया, ये लोग मुझे गलत इल्जाम लगा रहे हैं मुझ पर, मुझे फंसा रहे हैं, मेरी बच्ची है वकील साहब। मैं समझता हूँ, मेरी बीवी है, मुझे हिंदुस्तान जाना है, मुझे आप हिंदुस्तान भेज दीजिए, मुझे नहीं रहना है, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं, मुझे सिर्फ अपना परिवार चाहिए।
प्लीज मुझे हिंदुस्तान भेज दीजिए, मुझे अपने घर जाना है। मेरी गुड़िया है वो पता नहीं बेचारी कैसी होगी, मुझे कुछ मालूम नहीं, मुझे भेज दीजिए ना वकील साहब। या अल्लाह सुन ले मेरी बात सुन ले अरे एक बार बता देती, एक बार बता देती कि मैंने बोला सोने के लिए, मैंने बोला था सोने के लिए। मैं तेरे मार दूंगा, मैं तेरे मार दूंगा, तेरे मार दूंगा, मार दूंगा। खबरदार नाजिया को छूने की कोशिश की तो। कौन है साले बड़े तू? बड़वा हूँ उसका। अबे तू बड़वा है तो फिर वो आप क्यों बन रहा है? तुझे पता भी है इस रांड की वजह से? खबरदार दोबारा इसे रांड बोला तो। साला विधायक है ना, बहन के लौंडे ने इतना परेशान कर रखा है, सुबह 4 बजे बुला लेगा, रात को 12 बजे छोड़ता है, हैं? और कहता है पद दूंगा, कोऑर्डिनेटर का पद दूंगा, घंटा देगा साला। लौंडे में रख के घुमा रहा हम लोग को, सही कह रहे हैं। एकदम मादर चुटर को ना गोली मारेगा साला, धुआं निकलेगा। बिल्कुल नहीं, ये तो खैर करना है, साले ने परेशान कर रखा है। अच्छा रुको, हाँ भूत क्या आते चलेंगे क्या? चलो क्या देखेंगे वहाँ जाके, रुकिए आते हैं। अरे जा हो क्या तू, जा। ये आवाज कहाँ से आ रहा है? कौन है बे?
तुम पर गुजरने वाली किसी भी मुसीबत का कोई असर नहीं होगा। शबनम ने तो तुम्हें माफ कर दिया, पर नासिया गौरी, मिशन नाजिया को तैयार करती रहती है, हमारे पास भी आ जाए कर। चल काम पे लग। देखो तो बिल्कुल विदाई की दुल्हन की तरह लग रही है, बहुत प्यारी लग रही है, किसी की नजर ना लग जाए। बड़वे ने बताया कोई बड़ी पार्टी है, शरीफ टाइप के लोग हैं, इसे ले जा रही हूं। नासिया, मुनीर बहुत बड़ा प्रायश्चित कर रहा है। दुनिया का शायद ही कोई ऐसा बदनसीब बाप होगा जिसने अपनी बेटी की फड़वागिरी की होगी। देख, तूने जो भी शर्त रखी उसे चुपचाप कलेजी पे पत्थर रखकर उसने पूरा किया। अब बस कर बेटा, उसके साथ चली जा बेटा। इस जहन्नम से बहुत दूर शायद शबनम की आत्मा को भी तभी राहत मिलेगी। मुनिया तेरा पापा है ना बेटा, माफ कर दे उसे। कौन से दिन है तेरी बड़बागिरी का? पता नहीं। मुझे पता है कि तुझको पता है। यही सब नाटक दिखाकर पहले मेरी अम्मी की जिंदगी बर्बाद करी और अब मेरी भी कर दी। ए बाजी रोक, चलो उतरो। कहाँ है तेरा कस्टमर? क्या बुलाया? मैं हूं तेरा कस्टमर। क्या बकवास कर रहा है? तू मेरे साथ सेक्स करेगा? क्या कर रहे तू? ये देख, मुझसे दूर है।
दूर है मुझसे। मुनीर, मुनीर अहमद मुझसे दूर है। पापा जी, जी जी सर, सर मैं कराता हूँ सर। जी जी फाइन सर, फाइन सर, ओके ओके। जय सर। कुछ बताया इसने? सर कुछ भी नहीं बताया इसने, पूरा पत्थर बनाया हुआ है साला। क्यों मारा हुआ लड़की को? क्या लगती थी तेरी वाइफ? क्या थी तेरी गर्लफ्रेंड रखेल? अबे बोलता का है नहीं, अबे बोल। बेटी। क्या बोला? अरे जब साहेब पूछ रहे तो जोर से क्यों नहीं बोला? अबे बेटी थी। हैं? लड़की? बेटी बोला। बेटी थी तेरी? बेटी बाप का गुरूर होती है, और इस बेदर्दी से तुमने उसके टुकड़े करके मारे हैं। दूसरों को शहीदों का मेडल बांट रही है। अबे लाइफ में बात चुत गई मेरी। अबे एड से यार इसको। ब्रदर चेत। मेरे
जिस्म से परे दिल गया। रूह जागी मेरी जब जिस्म से मेरे खुदा।